दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम और आज मैं हूँ इंद्रप्रस्थ पारक। जी हाँ, विश्व शांति स्तूप। जी हाँ, विश्व शांति स्तूप आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके के विश्व शांति स्तूप बने हुए, ये शांति का प्रतीक है। और मैं आज हूँ बौद्ध परिवार मिलन समारोह में। 25 साल पूरे हुए हैं इस बौद्ध परिवार मिलन समारोह में। और यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी जो हैं, यहाँ पर सभी एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से यहाँ पर खाना खाते हैं साथ में, और परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। और मैं बता दूँ कि ये बौद्धों का मेला है। जी हाँ, बुद्धिस्ट जो है वो बुद्ध धम्म को मानने वाले जो हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर वही लोग आते हैं। पकवान की जो बात हो रही थी, जो महिलाएँ बनाती हैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आज क्या पकवान बना के लाएँ आप। आलू पूड़ी। आलू पूड़ी तो सब जगह खा ही रहे हैं। नहीं, फिर भी सब जगह खाते हैं, लेकिन यहाँ आके टेस्ट अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। आप क्या बना के लाए हैं? हम पूड़ी और छोले बना के लाए हैं। थोड़े से मुझे भी खिला देना, छोले मेरे को भी बहुत पसंद आते हैं। क्यों नहीं, जरूर खिलाएंगे। और क्या क्या लाए हैं आप? और सभी लोग लाए हैं, कुछ हलवा लाए हैं, मीठे चावल हैं, और खीर है, और कड़ी चावल भी थे, तरह तरह की सब्जियां, मटर मशरूम थे, काले छोले थे, सभी लोगों का इसमें सहयोग था। लग रहा है कि शायद किसी होटल में जाने की जरूरत नहीं है, आज यहीं पर ही आके खाना खाना चाहिए। फाइव स्टार भी फेल है इसके आज के दिन। बहुत बढ़िया। हाउ फील कि आज यहाँ पर आप आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। होते रहना चाहिए ये कार्यक्रम। मैं तो चाहूंगी हर संडे ऐसा हो। हर संडे? अरे वाह, सभी लोग चाह रहे हैं कि हर संडे या हर दो महीने में हो। आप क्या लाए थे बना के? मशरूम मटर। मशरूम मटर, काले छोले और पराठे। पराठे। अगर बिटिया ने अभी कहा कि हर हफ्ते होना चाहिए, तो क्या हर हफ्ते नई नई चीजें आएंगी खाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल आएंगी। आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम जो आज यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और जब हम भी चाहते हैं हमेशा होगा तो हमेशा ही आएंगे। जैसे बिल्कुल, अगर यहाँ पर केक या पेस्ट्री या चिल्ली पोटैटो मोमोज अगर खाने को मिले तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। पर बोलो, हमें सब चीजें नहीं खानी चाहिए, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं होती है। इसलिए नहीं, अगर घर में बनी हो और अच्छी चीज बनी हो तो हेल्दी होगी ना। हाँ वो ठीक है, पर अच्छा भी लगेगा खाएंगे तो। बिल्कुल अच्छा लगेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही है बौद्ध परिवार मिलन समारोह। हम लोग सब लोग आपस में मिलजुल करके एक दूसरे का जो खाना है उसे बांट करके खाते हैं, और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से हम लोग संपर्क भी बनाते हैं। बहुत सारे संपर्क में लोग हैं, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं, आओ उनका खाना भी चेक करते हैं कि उनका खाना कैसा बना है। मैं कहता हूँ, और खाना यहाँ पर तो बतेरा बना हुआ है, और यहाँ पर तो खीर भी चल रही है और छोले भी चल रहे हैं, भाई गजब की चीजें हैं यहाँ पर। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये छोले खाने पे कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी, आंटी जी ने खिलाया। ये घर के छोलों से ज्यादा अच्छा है या यहाँ के अच्छे लग रहे हैं? यहाँ के अच्छे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आंटी जी स्पेशल बना के लाई हैं। आंटी जी को पहले लेंगे हम कि आंटी जी कैसे स्पेशल बनाती हैं। आप खाने में और भी पूछते हैं, खिला ही रहे हो या खा भी रहे हो? दोनों काम हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मैं तो फर्स्ट टाइम ही है तो अच्छा लगा। आंटी बड़ी फेमस हो रही है, आंटी से मिलते हैं। मैं पहले आंटी जी के पास ही जाऊँ कि आंटी जी कैसे छोले बना रही है। ये सबको बांट रही है, हमें डांट रही है। आंटी छोले कैसे बना दिए? इतने सुंदर से छोले बना दिए, एक एक दाना खिला खिला सा है, जीरा भी दिख रहा है, लाल मिर्च भी दिख रही है, खाने में नमक भी आ रहा है। ऐसा कैसे बना रहे हो आप? घर से अच्छे बना के लाए। घर से अच्छे बना के लाए? घर तो सभी लोग अच्छे ही बनाते हैं, यहाँ कुछ अलग टेस्ट आ रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए। सबके लिए जी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आप क्या बना के लाए? रुक जाओ, घूम जाओ। आप क्या बना के लाए? छोले लाई, चावल लाई, पूड़ी लाई। ये तो चीजें खाते ही रहते हैं, कुछ और चीज लाए हो? और जैसे कि चिकन बिरयानी हो गई, मटन बिरयानी हो गई, कोरमा हो गया, मीट हो गई, चिकन हो गया, ऐसा कुछ नहीं लाया यहाँ पर कोई? हम खाते ही ना चलावते। अरे ये तो गलत बात है फिर। हम तो भाई बौद्ध धर्म में रहते हैं। तो बौद्ध धर्म ने ये कोई मना कोई ना करा खाने पीने के लिए? मने चुनो कर, ऐसा कुछ नहीं मना किया। और भी लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा। भैया यहाँ संतरे भी हैं, और ये संतरे किसने बनाए ये नहीं पता। संतरे? अच्छा जी, आप क्या बना के लाए? मैं खीर बना के लाई हूँ। अच्छा, आलू मेथी के परांठे लाई हूँ। ये अलग चीज आई। हाँ, अंगूर लेके आई हूँ। ये भी अलग आया। हाँ, और बस, और मिलके आप क्या लाए आंटी जी? मैं तो खाली आलू मटर की सब्जी लाई हूँ, और जो बनते जी जो बुजुर्ग हैं उनके लिए रोटी लेके आई हूँ। बहुत बढ़िया। आप? हम चावल लाए, पूरी लाए, चावल लाए, पूरी लाए, सब्जी लेके आया, आलू टमाटर की।
यार कुछ अलग सी, सारी चीजें टेस्टी टेस्टी हैं। और यहाँ पर तो देखो पूरी दावत हो रही है, और ऐसी ही दावत होनी चाहिए। ये परिवार मिलन समारोह है, बौद्ध परिवार मिलन समारोह। कैसा लग रहा है सर यहाँ पर खाना खाते में एक साथ सबको? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको खाना खिलाते में बहुत अच्छा लग रहा है? मुझे तो खैर खिलाते ही हो, यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत खुशी हो रही है मुझे खाना खिलाने से। जी कौन कौन आए आपके साथ? मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, मेरा भाई है, बच्चे है, मेरे भतीजी है, देवर है, और बाकी सब मिलने वाले हैं साथ ही। सब पूरा कुनवा उठा के ले आए हैं भाई साहब, बहुत परिवार मिलन समारोह है ये। और लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर कुछ अलग भी चीज खाने को मिल रही है सर। ये क्या पनीर के पकोड़े हैं क्या हैं सर? पनीर के पकोड़े क्या है? ये एलोवेरा का भी वो है, अचार है, अचार है ये। अच्छा। और ये केला भी खाने में हमें कितना आ रहा है, है। चलो ये तो आंटी ने बनाए होंगे सर। ये प्रकृति की देन है ये, कि जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कैल्शियम भी होता है, इसमें हमें जो शुगर बहुत जरूरी है बॉडी के लिए वो भी होती है। आज इतना आनंद आ रहा है इस भगवान बुद्ध की ये पावन भूमि, इतना बढ़िया लग रही है हमें कि जिसका वर्णन करना मुश्किल है। इतना अच्छा, ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की तरफ से यहाँ हम बैठे हैं तो उसका हम आनंद ले रहे हैं। हमें बिल्कुल ये आनंद सभी ले रहे हैं। और यहाँ पर सभी लोग हैं, कुछ लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा परिवार जो है वो सारा आता है। मैं हाय से ही काम नहीं चलाऊंगा। ये बताइए आज आप क्या लाए हो यहाँ पर? मतलब आज हम खाने की बात करेंगे, बहुत परिवार मिलन समारोह में। अच्छा, आप क्या लाए हो? खीर लेके आए थे, आलू की सब्जी और पूड़ी और कुछ। ये तो रोज ही खाते, कुछ अलग नहीं लाए कुछ और क्या? खीर होती है बुद्ध भगवान के लिए ज्यादा मायने नहीं। खीर तो चलो एक अच्छी चीज है, खीर ही लेके आए। अलावा और कुछ नहीं? और कुछ नहीं, चिल्ली पोटैटो मोमोज वो नहीं होते, वो हमारा खाना नहीं है। तो क्या हो गया? वो थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए ना? नहीं खाना चाहिए, गंदी चीजें नहीं खाते। यानी कि सादा जीवन, उच्च विचार। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये कहना मेरा, आपका भी यही है, सादा जीवन उच्च विचार। आंटी जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सालों से आ रहे हैं आप? मैं तो चार पाँच साल हो गए। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मुझे तो 25 साल हो गए, और आज 25वीं जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है बौद्ध परिवार मिलन समारोह की। आप अरे वाह, ये तो लूट मचने वाली है यहाँ पर। आप यहाँ पर क्या चीज लेके आए? खाने की बात करूंगा क्योंकि बौद्ध परिवार मिलन समारोह में तो सभी आए हैं, और बुद्धिज्म पे चलने के लिए भी आए हैं। आप खाने में क्या लाए? सच कहो तो मैं आज यहाँ पे कुछ भी लेके नहीं आई खाने की चीज। मैं हर साल यहाँ पे प्रोग्राम में आती हूँ और हर बार कुछ न कुछ लेके आती हूँ, बट आज मैं कुछ नहीं लेके आई क्योंकि आज उपोषण दिन है, पूर्णिमा का दिन है, तो हमने घर पे ही मतलब 11 बजे तक खाना वगैरह खा लिया था। उपोषित होने के बाद 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाया जाता जी। इस वजह से मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ, लेकिन यहाँ से बाबा साहब के, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनके विचारों को लेकर जाना ज़रूर चाहूँगी, उनको सुन के, और अपने घर परिवार में और जहाँ पे हमारा विहार है वहाँ की महिलाओं को भी इस प्रोग्राम का संदेश, और यहाँ से जो भी विचार मिले हैं हमें सकारात्मक विचार बौद्ध परंपराओं के और उनके दिए हुए मार्ग के बारे में, इस बारे में हम उनसे ज़रूर कहेंगे। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगा, बड़े कंजूस हैं ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं लाई, इतने बड़े खुद आए हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि लोग लाना तो छोड़ो आते भी नहीं हैं। और यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैडम ये आप क्या क्या लाए? गोल गोल से क्या क्या चीज़ें? नहीं पहले आप बताओ ये क्या चीज़ें? अरे भैया मेरी कमजोरी दिखा रहे हैं ये लड्डू मेरी कमजोरी है, मीठा होना चाहिए, पर मीठा कुछ भी खिला लो, मीठे का चीटा हूँ मैं। लड्डू बर्फी और रसगुल्ले, मिठास तो एक अलग ही होती है, पर अपने परिवार के और अपने समाज के लोगों के हाथों से खाया जाए तो मिठास दुगनी चौगनी हो जाती है। कैसा लग रहा है आज बहुत परिवार मिलन समारोह? बहुत अच्छा। पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, आपने हमारा मुंह मीठा कराया। कितने सालों से आ रहे हैं आप? सालों से तो कम आती हूँ, वैसे मैं कभी रह जाता। में ज्यादा आते हो? नहीं नहीं कभी रह जाता कभी आ जाती हूँ। अच्छा। हर साल नहीं आ जाता। अच्छा। आते तो हो ना? हाँ आते। क्या बना के लाए आप? मैं खीर लाई हूँ सर बना के, और आज तो खीरी क्योंकि कल मैं टीचर हूँ तो रात को 12-1 बजे ड्यूटी करके आई हूँ, फिर सुबह खीर ही बन पाई। इलेक्शन में आपकी? हाँ इलेक्शन में। और वोट धड़ाधड़ डाले होंगे आपने भी? हाँ जी। आप क्या बना के लाए मैडम? मैं भी कुछ नहीं, हमारा भी व्रत है। आपका व्रत है? उपोषक।
जी। बहुत लोगों का आज पूर्णिमा है, बुद्ध के उसमें पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। ओपी गौतम जी कल भी मुझे मिले थे, ये 11 तारीख को एक प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि बौद्धों का जो एक धम्म है, बौद्ध धम्म जो है उसका एक कानून है, और वो कानून के लिए नवयुग मार्केट में एक 11 तारीख को 11 बजे प्रोग्राम हो रहा है। सर कैसा लग रहा है बौद्ध परिवार मिलने से? नहीं, यहाँ तो बहुत तो अच्छा लग रहा है, और मैं हर साल इस प्रोग्राम में शामिल होता हूँ, और धीरे धीरे प्रोग्राम बढ़ता ही जा रहा है। सभी लोग इस तरीके से एक फेस्टिवल मनाते हैं जी, उस तरीके से यहाँ फेस्टिवल मनाते हैं जी, और अपने बच्चों के शादी विवाह से संबंधित भी एक दूसरे से परिचय करते हैं, और हम इसी कारमा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ नहीं है जी, हम अपने बच्चों की जब शादी करते हैं उन शादियों को ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है या कोर्ट है, यहाँ की जो न्यायालय है वो बुद्धिस्टों को मान्यता नहीं देते, इसीलिए हम एक मुहिम चला रहे हैं। बिल्कुल सर, सभी लोग शामिल हों, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो बुद्धिज्म को मानते हैं वो सब लोग आए। सर कैसा लग रहा है आज का बौद्ध यहाँ पर आया ना? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपकी मेरी मुलाकात वहाँ भी हुई थी जिसमें पौधा लगाया था जी, हाँ जी हाँ, वह म्यूजियम में, और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमें इस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहिए, बढ़कर कैसा लेना चाहिए। बिल्कुल सर, आज ये जो कोर्ट है, ये जो माइक है, ये जो है, ये बाबा साहब की देन है। बिल्कुल, गौतम बुद्ध को इसलिए मानते हैं कि बाबा साहब ने अपनाया था, इसलिए हम उनको मानते हैं। बाबा साहब अगर गौतम बुद्ध को नहीं मानते तो शायद उनका दिमाग का इतना विकसित नहीं हो पाते, उन्होंने बचपन से ही बुद्ध धम्म को मानना शुरू कर दिया। बिल्कुल मानना शुरू कर दिया था इस बात। मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि अंकल जी, अरे हम तो अंकल जी बहुत लेट हो गए, तुमने तो सारी मिठाई खत्म कर दी। बताओ दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि ये मिठाई के डब्बे बहुत सारे थे, और 5-5 किलो के डब्बे हैं ये, और मेरे हत्ते शायद ये जरा सी ये खपंचे सी आएगी, कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है मिठाई बांट के? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और हम तो यहाँ जब से यहाँ आना शुरू हुए बहुत खुशी करते। मेरे बच्चे नाती पोते सब आए हुए हैं, पूरा परिवार आया हुआ है। अभी यहाँ चद्दर बिछी हुई थी, अब बच्चे वहाँ घूमने के लिए चले गए। ये जो गेम हो रहा है जी, जी। बच्चों का खेल हो रहा है, बच्चे वहाँ खेल गए। कितने सालों से आ रहे हो आप? जब से यहाँ स्टार्ट हुआ है 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। उम्र तो आपकी 25 से ज्यादा है? मेरी उम्र है 66 साल। 66 साल जी हाँ। अरे 18 के लग रहे हैं, युवा है, 25 साल से आ रहे हैं तो 25 का ही मानेंगे। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। शशि भूषण जी से तो बहुत बातें कर ली, बड़ा पेट बढ़ा लिया है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। कैसा लग रहा है आज का कार्यक्रम? काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है आज आप पहली बार आए हैं? नहीं, पहली बार तो नहीं आई हूँ, इससे पहले लास्ट टाइम भी आई थी। अच्छा, यानी अभी नए नए हैं, न्यू कमर्स हैं आप? हाँ। चलिए, फिर भी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अपने सभी लोग यहाँ मिलने का एक मौका मिलता है सभी को ना, और सभी एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। सोशल मीडिया पर तो वैसे रहते हैं, बट फेस टू फेस मिलने का एक मौका मिलता है जी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मुझे अभी पता चला है कि आप शशि भूषण जी की छोटी साली साहिबा हैं, और जब सभी बुद्धिज्म में जाएंगे तो सभी परिवार वालों को सब लेके भी आते हैं, और अच्छी बात है, सबको लाना भी चाहिए। भाई साहब बड़े बड़ी बड़े बिस्कुट मारे जा रहे हैं, हैं कैसा लग रहा है आज का कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, यहाँ आने का आके बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि ये साल भर में प्रोग्राम आता है जो एक बार साल के फरवरी के सेकंड संडे में, और यहाँ पर नंबर बताओ जरा। मेरा नंबर है 9312619926, ये नंबर है मेरा। मैं आपको बता दूं कि भाई साहब का बेल्डिंग का काम है, कोई गेट बनाना हो, जाली बनवानी हो, किसी भी तरीके का लोहे का काम बेल्डिंग वाला कराना हो तो भाई साहब से करवाना। बिस्कुट खिला रहे हैं हमें, देख लो भाई जी, आपको कैसा लग रहा है और क्या बना के लाए थे आप? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत खुशी महसूस हो रही है, बच्चों को भी अच्छा लग रहा है जी। बस यहाँ खाने में बस चावल बना के लाए थी। कितने दिनों में कार्यक्रम होना चाहिए ये? ये क्रम हर महीना होना चाहिए, देख लो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं होगी प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं बनाने में परेशानी, बिल्कुल नहीं होने की, मैं बना के बनाऊंगी। ये तो नहीं कहोगे क्या है हर महीने चल देते? नहीं बिल्कुल नहीं, आपको भी खिलाऊंगी जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है बेटा तुम्हें ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, साल में एक बार होता है, जल्दी जल्दी होना चाहिए जिससे कि यहाँ पे बार बार आ सके, यहाँ पे काफी एंजॉय करने को मिल रहा है जी। कुछ सीखने को मिल रहा है? एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे इतने सारे कंपटीशन हो रहे हैं जिसमें बच्चे फिजिकली एक्टिव है,
तो इस तरह से वो स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे और साथ में साथ धर्म के साथ में स्पोर्ट्स के लिए भी हो रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, स्पोर्ट्स के भी हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग। सबके यहाँ लेके चलूंगा, सबके खाने चेक कराऊंगा कि आज उन्होंने क्या क्या बनाया। ये बाबा साहब की ही बदौलत है कि हम सब लोग अलग अलग तरीके के पकवान खा रहे हैं और साथ में बैठ के खा रहे हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है, अपना जो है अपनापन सबके बीच में वो सब अच्छा लग रहा है। और आज बना के क्या लाए हो? मैं आज कुछ नहीं बना के लाई हूँ। ये तो बहुत गलत बात है, हम तो यहाँ ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छी चीज और अलग कोई अनोखी चीज मिले तो हमारी पूरी चार लोगों की टीम है, टूट पड़ेंगे हम तो। हम आज जादू बना के लाए थे तो जादू का शो आपको दिखाया, आपको एंटरटेन किया तो अच्छा वो जो अच्छा अच्छा हाँ। एक रस्सी को आपने अलग अलग गोल गोल बना दिया वो ही थे। अच्छा ठीक है, तो जादू से यार यहाँ पर कोई चिल्ली पटेटो वगैरह नहीं बना सकते? सर जी आपने बड़े जादू दिखा रहे थे। हाँ, ये हरी चटनी भी क्या जादू से बनवाई है? नहीं ये तो इन्होंने बनाई है। क्या तरीका है ये भी जादू मूल निवासियों का तरीका है जी। तो केले के साथ सब्जी के साथ मिल बैठ के खाने का तरीका। आपके बच्चे भी आए? बच्चे हैं। पापा ने अगर खाने के लिए पैसे नहीं दिए कुछ तो ताऊ जी के पास जाके चिल्ली पटेटो खा लेते हो? हाँ खा लेते हैं। जादू से खाते हो? कभी कभी जादू से हो जाता है, कभी कभी अगर बाहर अवेलेबल है तो हम बाहर से खा लेते हैं। यार चिल्ली पटेटो जादू से? और पनीर टिक्का? पनीर टिक्का पसंद नहीं। नहीं पसंद? और बटर चिकन? हाँ वो भी मिल जाता है? हाँ? अरे बाबूजी दो चार यहीं फ्राई करवा दो जरा। जादू का खा तो लेते हैं लेकिन वो हजम नहीं होता ऐसे। नहीं हमारे सब हजम हो जाएगा, ये बाबा साहब की संतान है, कंकड़ पत्थर सब खा लेते हैं हम लोग तो। चलिए बहुत अच्छा जी, कैसा लग रहा है आज आकर के? हाउ फील? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार आए आप? नहीं नहीं मैं पहले भी आ चुका हूँ पर अभी कुछ सालों बाद आ रहा हूँ क्योंकि हमारा पहले छोटे थे आप थोड़े से बड़े हो पहले मैं छोटा था बड़ा काफी पहले बहुत छोटे थे अब बहुत बड़े हो के आए हैं। मैं एक 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 भाई से और मिलाना चाहूंगा, बहुत देर से कह रहा हूँ जादू से घूम जाओ, घूम नहीं रहे हैं पर ये इन्होंने बोतलों वाला बहुत सारे वो दिखाए थे। सर ये केला भी जादू से बनाया क्या आपने? हाँ अभी मेरे पास पूरा परिवार ही जादूगर है। हाँ सब दिखाते हैं, इसने भी दिखाया है छोटे भाई ने। अच्छा मैं भी कुछ दिखा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग तो सारे रईस होंगे फिर? रईस तो बच्चा था जिसके पास ढेर सारे सिक्के निकले थे जी। तो आपने तो 2000 रुपए के नोट भी बना मारे होंगे? हाँ कभी कभी बनाते हैं लेकिन वो जादू का पैसा है, जैसे आता है वैसे गायब भी हो जाता है। अच्छा डैडी जो अभी कह रहे थे कि भाई जादू की चीज हजम नहीं होती जी, तो ये कितने टाइम में आप जादूगरी सीख जाते हैं? मैंने तो 1.5-2 महीने में सीखा था, पापा ने सिखाया था मेरे को डेली ट्रेन कर करके। और आज कैसा लग रहा है यहाँ आ करके? आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बढ़िया धूप है, ढेर सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, बात करी मैंने खूब लोगों से जी। और हमारे चैनल से बात करके अच्छा नहीं लग रहा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर सुनने को और खाने को और देखने को मिल रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है क्योंकि सभी लोग जो हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आए हुए और यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको मैडम यहाँ पर आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने महीने में कार्यक्रम होने चाहिए ये? अब ये तो मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे। पहली बार में ही आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितने सालों से आ रहे हैं आप? मैं तो पहली बार आई हूँ। पहली बार? और आपको तो मैं बहुत सालों से? हम तो बहुत दिन से आ रहे हैं। आज क्या बना के लाए हो? नई आइटम? आज बहुत अच्छे अच्छे आइटम बना के लाए हैं। दो चार चीजें गिनवा दो आप। मटर पुलाव है, मटर पनीर की सब्जी है, आलू गोभी की सब्जी है, कचौरी है और खीर है। आपको खानी है तो बताइए। हम भाई सबके यहाँ एक ही डिश मिल रही है, रोटी है, पानी की रोटी, पानी की रोटी भी है, चूल्हे वाली जो होती है। हाँ चूल्हे वाली है, ये अलग चीज आई कुछ। और मिर्च का अचार है और बस चाय है, चाय भी चलेगी, चाय भी है। इतने सारे लोग हैं और जहाँ मैं कहता हूँ और वहीं कर देते हैं बस। मैडम आपको कैसा लग रहा है ठंडा पानी पी के? ठंडा पानी पी के बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर आके भी अब बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल ऐसे ही हमारी जो इतना बड़ा संगठन है ये और बढ़े आगे जी। यही मन में ख्वाहिश है। और
कितने महीने में कार्यक्रम होने चाहिए? हम तो चाहते हैं कि हर महीने ऐसा इतना इससे भी और बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। अच्छा, खाना आप बना के लाए हो या सासू माँ या मम्मी? नहीं, या बहने या नहीं, भाई साथ में सबने मिलकर बनाया है, सबने सबकी हेल्प से तब बनाया खाना जी। आपने भी बनाया है? हाँ जी। चलो फिर तो सही है, मैंने कहा कहीं आंटियों पे सारा बोझ ना डाल दें। आप क्या लाए आज? मैं आलू की कचौड़ी। आलू की कचौड़ी, अरे वाह, एक और नई चीज आई। और आप? मैं पानी की रोटी और मिर्च झुकी हुई लाई हूँ और मटर का पुलाव लाई हूँ। बहुत बढ़िया। सर आप भी कुछ बना के लाए हो या इन्हीं का ही खा रहे हो सब? मैं सहयोग किया, मैंने सहयोग किया बिल्कुल। जितने भी पुरुष वर्ग के लोग हैं कोई ऐसा नहीं मिला अभी तक जिसने ये कहा हो कि मैंने कुछ बनाया हो, पर सहयोग सब कर रहे हैं और ये सहयोग ही होना चाहिए। पुरुषों से भी पूछते हैं, यहाँ पर बड़ा जमावड़ा लगा रहे हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं ये लोग। सर मुझे ये बताओ, पूरे परिवार के साथ आए हो अकेले आए हो? सर वहाँ दिखाओ मत, बता दो, हमें यकीन हो जाएगा, आप बता दो बस। भाई साहब भी है। आप मुझे बताओ आप कितने? पूरे परिवार। खाना वाना लाए हो? खाना है सर, अभी बताओ। सर ये मत बताओ वहाँ आए, ये बताओ हाँ है, आए हो? यस सर। आपने बनाया? नहीं मैडम ने। नहीं बनाया, देखो सबने मैडमों को दे दिया। आपने क्या खाना बनवाया? खाना मैंने पराठे बनवाए थे। और आपने कितने बनाए? मैंने एक बनाया था। झूठ बोल रहे हैं, नहीं बनाया होगा। और आपने कितने बनाए? मैं तो बनाता ही नहीं, मुझे तो गाने की फुर्सत नहीं है। ये तो गाने ही गाते रहते हैं, ये लोगों को बनाते हैं। और आप कितने बना के लाए हो? पांच पराठे। भाभी जी तो कह रही थी कि मेरे को ही नहीं लाए। भाभी जी आई नहीं? भाभी जी कहाँ से बताएगी, वो तो आई नहीं है ना। हाँ तो इसी वजह से नहीं आई ना। कितने पराठे कहाँ से बना लिए? भाभी से बनवा के। बेटा भारत का संविधान किसने लिखा था? बाबा साहब की माँ का क्या नाम था? और बाबा साहब के पिताजी का क्या नाम है? बाबा साहब की कितनी प्रतिज्ञा थी? 22। अच्छा 22 थी। चलो बहुत बढ़िया। और बहुत सारे लोग हैं सर, आपको तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। आप ये बताओ कि आंटी जी से क्या बनवा के लाए हो, सच्ची बताना। आंटी जी बहुत ही बीमार चल रही हैं। अच्छा। जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारी है उनको, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत परिवार मिलन मिला है और इसका सिल्वर जुबली है, इस बार सिल्वर जुबली है क्योंकि मैंने इस बार एक प्रस्ताव रखा था मीटिंग में कि भाई लोग जगराता करते हैं, पांच माह तीसरा चौथा छठा ऐसा करते हैं, तो हम अपने बहुत बड़े मिलन का मेला में काउंटिंग क्यों नहीं करते? बिल्कुल। तो वहाँ देखा ये तो 25वां है और 25वां कैसा हुआ? सिल्वर जुबली हुई। सिल्वर जुबली। तो ये हमारा सिल्वर जुबली है और हमारे इसका मेन मकसद है क्योंकि हम बहुत प्रोग्राम करते हैं, हमारे पुरुष लोग सब निकल कर आते हैं लेकिन महिला नहीं जाती है। बुद्ध परिवार मिलन मेला का मेन मकसद है कि हमारी महिलाएं मेला के नाम से तो बाहर निकलेंगे और वो आज हम देख रहे हैं। यहाँ पर आदमी चाहे कम हो लेकिन महिलाएं हैं। नहीं सर ये गलत बोल रहे हो, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं आज यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ के भी बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्टी भोजन लेके। मैं यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आदमी भले ही कम हो लेकिन महिलाएं हैं। आप देखोगे जहाँ भी बैठे हो देखो महिलाएं, खड़ी हुई देखोगे महिलाएं, और रस्सा खींच रही हैं महिलाएं, दौड़ लगा रही हैं महिलाएं। तो हमने जो हमारा मकसद था आज जो सिल्वर जुबली है वो हमारा मकसद पूरा सा होता दिखाई दे रहा है, है? और भविष्य में भी इस तरह से पूरा होगा। और हमारे भाई साहब जो इसका बढ़ावा दे रहे हैं, जो पूरा बढ़ावा दे रहे हैं यानी जग जगह, क्योंकि इनका जो प्रचार है ये बहुत दूर तक जाता है, इससे हमें बहुत अच्छी एक तरह से ताकत मिलती है, हमारे प्रचार को बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसा हो रहा है और हम भी जाएं, ऐसा हो रहा है हम भी जाएं, तो मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत साधु। बहुत सारे लोग यहां पर हैं और सबसे ज्यादा तादाद जो है महिला शक्ति की है, पर यहां पर महिला शक्ति को मैं खाली देख रहा हूं, ऐसा क्यों? आप कुछ खाने वाने को नहीं लाए हो क्या? हाँ लेके आए, खाना खा लिया है, पराठे लेके आए हैं, कटहल लेके आए हैं और कटहल मिर्ची का अचार लेके आए हैं, नींबू का अचार लेके आए हैं, आम का अचार लेके आए हैं। अचार के अलावा कुछ स्वीट्स भी लाए? स्वीट्स नहीं लेके आए। कुछ गोलगप्पे टिक्की पापड़ी छोले भटूरे? नहीं ये कुछ नहीं लेके आए। कुछ डोसा इडली सांभर? नहीं 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 ये भी नहीं लाए। नहीं बस पनीर के पराठे और टमाटर की चटनी थी। अच्छा, हाँ हम लोगों ने मिलकर और आई नहीं। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कितने सालों से आ रहे हो आप लोग? हम लोग तो यहाँ पहली बार आए हैं वैसे। और आप कितने साल? हम तो पहली बार आए, मैं भी तो तुमसे बड़ा तो फिर मैं हुआ, मैं तो 25 सालों से आ रहा हूँ। दोस्तों मैं ये बात सही बता रहा हूँ बिल्कुल, कि मुझे सबसे ज़्यादा प्राउड फील ये होता है कि मैं बुद्धिज़्म में पैदा हुआ, मेरे पापा और मेरे ग्रैंडपा जो हैं वो बुद्धिज़्म में थे और
इस बौद्ध परिवार मिलन समारोह में मैं डे फर्स्ट से यहाँ पर आ रहा हूँ और 25 साल हो चुके हैं आज इसे। यहाँ पर इस बौद्ध परिवार मिलन समारोह को पहले बुद्धा गार्डन में हुआ करता था, फिर ये यहाँ पर हो रहा है और अब दो जगह हो रहा है, एक बुद्धा गार्डन और एक इंद्रप्रस्थ का गार्डन यानी कि विश्व शांति स्तूप। और ये जो स्तूप है वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही होता है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि 25वीं वर्षगांठ पे मैं यहाँ मौजूद हूँ। और लोगों से भी बात करते हैं। आंटी जी, आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो 20 साल से यहाँ आते हैं जी। पहले बुद्धा गार्डन जाते थे जी। अब यहाँ आते हैं तो काफी दिनों से, बहुत बार से यहाँ आते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ भी अच्छा लगता है, बुद्धा गार्डन अच्छा लगता है जी। दोनों जगह बहुत अच्छा लगता है और अलग अलग तरीके के हैं। आपके तो सारे पैक वैक हो गए क्या? खा लिया सब? नहीं, अभी तो हमने खोला भी नहीं है। अच्छा, अभी तक इन्होंने खोला भी नहीं। क्या लाए आप बना के? बच्चे लेके आए खाने के लिए। आप क्या बना के लाए? कुछ भी नहीं लाए, चिप्स कुरकुरे। चिप्स और कुरकुरे, एक और नई चीज आ गई है। और हलवा सूजी का लेके आए तो खा चुके हैं। चलो, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा सो सो लग रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हर साल आने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सब बच्चों को अच्छा लग रहा है। और कुछ और जगह भी लेके चलते हैं आपको। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा था। और आंकड़े जो है और परसेंटेज जो है, और मैं ये कहूँगा कि अगर काउंटिंग में गिनी जाए तो सबसे ज़्यादा महिलाएँ ही हैं। और यहाँ पर तो महिलाओं का पूरा जमावड़ा है और सारी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर बुद्ध और भीम और हमारे महापुरुषों के जो गीत होते हैं उनको गा रहे हैं और पंचशील का झंडा साथ में है यहाँ पर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी महिलाएं जो हैं एक सामूहिक गायन करने के बाद यहाँ पर भोजन भी खाया जाएगा और सामूहिक ही भोजन खाया जाएगा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर सब लोगों का आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। हम 25 साल से आ रहे हैं रेगुलर। यानी मेरे बराबर के हो आप? हाँ, उम्र में ज्यादा होंगे पर आने के लिए बराबर के। हाँ, मैं 25 साल से रेगुलर आ रही हूँ। बहुत बढ़िया। आप कितने साल से आ रहे हैं? मैं भी इस, क्या कहते हैं, अभी कुछ सालों से जुड़ी हूँ मैं। 2-3 साल तो मुझे भी हो गई। हाँ, 3 सालों से आ रहे हैं। और आप? मुझे तो 1.5 साल ही हुआ है अभी। अच्छा, खाने में क्या क्या लाए हो आप? काफी खुश है, बहुत सारा आइटम क्या क्या बताएंगे खाने में। मुझे लग रहा है कि वाकई में यहाँ पर अंबार है शायद खाने का। सभी ने एक साथ का बहुत सारा खाना लेके आए। क्या क्या लाए हो आप बताओ? जर्दा चावल, एक एक करके पूछूंगा। सुनो, जर्दा चावल, बिरयानी। अरे अम्मा, एक एक करके पूछूंगा, रुक जाओ। सारा एक साथ कैसे खाओगे? कड़ी चावल, खिचड़ी बन जाएगी। जर्दा चावल, बिरयानी, कड़ी चावल, सब कुछ लाए। पहले ये बताओ बिरयानी कौन सी है, सोयाबीन की या चिकन की? सोयाबीन की। अरे शाकाहारी बिरयानी। अच्छा, आप क्या लाए जी? मैं तो रोटियां बना के लाई थी, जिसको रोटी पसंद थी उसने रोटी खाई। और आप क्या लाए? मैं जर्दा चावल, कड़ी चावल, दाल चावल। ये तो चावल ही चावल लाई है। और आप? मैं लाई वेज बिरयानी लाई थी। अच्छा, और खीर लाई थी। अरे चिकन बिरयानी भी लिया थे। मैं पूड़ी लेके आई थी। और मैं 5 किलो आटे की पूड़ी बना के लाई थी। अच्छा, आप क्या लाए हो? चावल, चावल, चावल। आप बोलो क्या लाई हो तुम? अरे पनीर कौन लाया? मैं मूंग की दाल की कचौड़ी लाई, बना के मूंग की दाल की कचौड़ी। मूंग की दाल की कचौड़ी। अच्छा अच्छा, तुम में से ये बताओ कि चिल्ली पटाटो कौन बना के लाया? कोई नहीं लाया। अब मूंग की दाल का हलवा कौन लाया? टाइम नहीं था सुबह आने के लिए। अच्छा, काजू की बर्फी कौन लाया? रसगुल्ले लाए। कौन से, काले वाले, सफेद वाले? अरे अम्मा लाई है रसगुल्ला लाई हूँ। कितने, 5 किलो आटे के? हाँ, 5 किलो के। मैदा के बनते हैं आटे के? खोए के, बोलो ना, खोए के, खोए के, खोए के। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही है बौद्ध परिवार मिलन समारोह। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि इस ग्राउंड में चलते हैं और इस ग्राउंड में आने के बाद यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं। और मैं कुछ बात करना चाहूंगा। सर, कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कितने सालों से आ रहे हैं आप? हम तो जब से बना स्तूप जब से ही आ रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि कई सालों से आपको यहाँ देख रहा हूँ और BSP और बहुजन समाज में आपकी भूमिका बहुत अहम होती जा रही है जी। क्या लगता है कि इस तरीके के और कार्यक्रम होने चाहिए? हाँ, बिल्कुल होने चाहिए सर। ये हमारा मिशन मूवमेंट आंदोलन है मिलिंद गौतम जी। और जैसा कि
जहाँ तक आपने राजनीति की बात की है, तो जब तक हमारे सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन मजबूत नहीं होंगे और हम लोगों में भाईचारा और एकता नहीं आएगी, तो तब तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। इसलिए इस तरह के आयोजनों का समय समय पे कार्यक्रम होना चाहिए। और पिछले लंबे समय से यहाँ जो ये कार्यक्रम बौद्ध परिवार मिलन जो होता है, इसमें हमारे दिल्ली NCR से समस्त हमारे बुद्धिजीवी और बाबा साहब को मानने वाले भगवान बुद्ध के अनुयायी, और आज तो हमारे संत शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती भी है, तो उनके यानी समस्त हमारे बहुजन आंदोलन के जो मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी का आयोजन यहाँ महसूस हम लोग कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पे यही चाहूँगा कि ये आंदोलन और इस तरह के आयोजन समय समय पे होते रहने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और मैं और लोगों से भी बात कराना चाहूँगा कि आज का जो सम्मेलन है, जो मेला है, वो किस तरीके से हो रहा है। कुछ महिलाओं से भी बात करना चाहूँगा। मैडम, कितने दिनों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हम सर बहुत सालों से, हमें 10-12 साल हो गए आते आते सर। तो यहाँ पर सिर्फ बुद्धिस्ट ही आते हैं या SC ST या कोई भी आ सकता है? सभी समाज के लोग, ऐसे नहीं है कि बुद्धिस्ट है, सभी समाज के लोग यहाँ पे आते हैं और सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बहुत हर साल बहुत अच्छे से अच्छा प्रोग्राम होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अकेले आए हैं या पूरी फैमिली के साथ? नहीं, पूरी फैमिली के साथ आए हैं और प्लस अपने मम्मी पापा भाई बहन भी सब साथ में आए हैं। जी बिल्कुल, पूरे परिवार के साथ। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, पूरे परिवार के साथ लोग पहुंचते हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि कितने सालों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं आप? ये हम 8-10 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। जी जी, और पूरी फैमिली के साथ आते हैं हम। जी जी, तो अकेले हैं, पूरी फैमिली है? जी, पूरी फैमिली है मेरी। पूरी फैमिली है जी, जी। तो कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पर? कम से कम 8-10 साल से आ रहे हैं। 8-10 साल से। तो सिर्फ बुद्धिस्ट ही यहाँ पर होते हैं? SC ST OBC माइनॉरिटी या कोई भी आ सकता है? कोई भी आ सकता है यहाँ पर तो। जी, कोई भी आ सकता है। तो ये बौद्ध परिवार मिलन समारोह है, तो इसमें कोई भी आ सकता है। जी, जी। बिल्कुल, बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं और सभी लोग आते हैं और सभी वर्ग के लोग हैं। और यहाँ पर शशि भूषण जी भी आ चुके हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा सर कैसा लग रहा है आज का ये प्रोग्राम, क्योंकि हर साल तो मैं आपको देख ही रहा हूँ, ये नहीं पूछूंगा कितने सालों से आ रहे हैं। देखिए, कैसा लग रहा है ये? शब्दों में अगर कहा जाए तो शब्द नहीं है जी, क्योंकि ये एक साल में होता है, लेकिन मुझे अच्छा ही लगता है। मुझे लगता है कि हर दूसरे महीने में हो। अच्छा, हर दूसरे महीने में होगा तो हमारा एक आपसी भाईचारा, मेलजोल, खान पीना बढ़ेगा। खाना हम रोजाना खाते हैं घर पे, लेकिन यहाँ जो आकर हम बैठकर खाना खाते हैं, इससे हमारी एकता, अखंडता और बंधुता, समता बनती है जी। कोई कुछ खाना लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, और जब हम बैठ के साथ खाते हैं तो हमारी जो मन की ईर्ष्या है, द्वेष है, वो खत्म होता है। पर शशि भूषण जी, अगर हर 2 महीने बाद आएंगे तो क्या बोरियत सी महसूस नहीं हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा कि यार ये तो हर 2 महीने बाद हो गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए, छोटे बच्चों को घुमाने का, घर की महिलाएं अपने या तो ऑफिस में या घर में व्यस्त रहती हैं, उन्हें 2 महीने में एक बार बाहर निकल के सभी के साथ बैठ के खाने का मौका मिलेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। हम तो रोजाना मिलते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रोजाना कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य में मुलाकात होती है, लेकिन महिलाएं बच्चों में, घर में और ऑफिस में, तो ऑफिस संभालने में वो इतनी व्यस्त रहती हैं कि उन्हें ऐसे मौके नहीं मिल पाते। और साल भर में जब ऐसा मौका आता है तो बड़ी खुश होती हैं, बड़े अच्छे अच्छे पकवान लेकर आती हैं। और अगर हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पे ऐसे प्रोग्राम होने लगे तो हमारा भाईचारा बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। भूषण जी, ये जो पेट बढ़ रहा है वो पकवान बनाने के लिए, यानी आप चाहते हो कि हर 2 महीने में पकवान लजीज, पकवान अलग 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 वैरायटी के खाने को मिला करें? बिल्कुल। अब मैं यहाँ आया, पेट बढ़ जाएगा फिर। खाना हम भी लेके आए, लेकिन मैंने अपना खाना कम खाया, लेकिन जो और साथी थे सबने खिलाया तो और अच्छा लगा। जब सभी या खा लिया खुद ही, पेटू आदमी हो, सभी अपने परिवार वाले हैं तो किसी ने कहा आओ खाओ, कहीं मैं चला गया कि लाओ मुझे खिलाओ, इसमें अपने घर में कैसा शर्माना, अपने घर में किस तरीके का ऐसा। तो ये तो आगे बढ़ के कदम बढ़ाना चाहिए ना, हाथ मिलाने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, एक कदम आगे होना चाहिए। बिल्कुल, हाथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, और मैं भी एक हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ना चाहूंगा सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसा लग रहा है बौद्ध परिवार मिलन समारोह? नहीं नहीं, ये तो मैं तो तीसरी बार आया हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे हमेशा, एक जो बाबा साहब का संदेश था कि संगठित हो जी, तो ये जो मेला है ये एक मतलब संगठित होने का एक माध्यम है, एक दूसरे से मिलने का माध्यम है,
और हम जो समाज में रह रहे हैं वहाँ कई बार लोग ना छुप छुप के रहते हैं जी, तो यहाँ आने के बाद जो है ना सब हम एक दूसरे को जानते हैं, एक देखते हैं कि अरे ये तो हमने वहाँ देखा था लेकिन यहाँ पे मिलता है, तो बड़ी खुशी होती है जी। आज जो है ना एक मतलब परिवार मतलब खीर खा रहा था तो वो मेरी तरफ देख रहे थे, मैं उनकी तरफ देखा, मैंने कहा खीर मेरी कमजोरी है, तो उन्होंने कहा नहीं आप आइए आप आइए, तो मैंने कहा अभी मैं आता हूँ। उसके बाद जो उनकी खीर खाई ना उसमें खीर में बड़ा टेस्ट था, बड़ा आनंद आया। तो ये जो प्यार मोहब्बत भाईचारे की चीज होती है उसमें मजा अलग ही आता है। जो इस मेले का जो मकसद है वो वहीं पूरा हुआ जब हम एक दूसरे के प्रति इतने प्यार से मोहब्बत से जो है एक दूसरे को मिले हम लोग और एक दूसरे के खाने में हम लोग शेयरिंग की, तो बहुत ही मतलब बेहतरीन ये है और ये बढ़ता रहना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल बढ़ता रहना चाहिए, इम्प्रूवमेंट भी होनी चाहिए। और मैं बताऊंगा बिल्कुल खीर खा खा के सब लोग तंदुरुस्त होते जा रहे हैं, यहाँ का पकवान जो है वो बहुत ही शानदार है, पर जो बनाती हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर एक मिनट रुको, तो सही अभी कहना चाहूँगा कि जैसे मतलब आपका रामलीला मैदान वहाँ का है, ये हमारा जो मिलेनियम पार्क है ये आने वाले टाइम में इतना हो कि यहाँ जगह खाली ना बचे, हमारा ये एक जगह ऐसी फिक्स हो गई है ये कि हर साल हमें यहाँ इकट्ठा होना ही होना है और ये तादाद बढ़ती रहनी चाहिए। बिल्कुल तादाद बढ़नी चाहिए। और दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम और आज मैं हूँ विश्व शांति स्तूप जो कि इंद्रप्रस्थ पार्क में बना हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि विश्व शांति स्तूप जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीके का बनाया हुआ है और वो शांति का प्रतीक होता है। और आज यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश जो है वो बौद्ध परिवार मिलन समारोह बना रही है और सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर थे और बहुत ही औसम और उमदा तरीके से ये कार्यक्रम हुआ। और मैं आपको बता दूं कि आज 25वां ये बौद्ध परिवार मिलन समारोह था। भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मेरे साथ हैं एमएल अंबोरे जी, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा सर आज का कार्यक्रम कैसा रहा और इसकी रूपरेखा क्या रही। आज भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के तत्वावधान के अनुसार हर साल फरवरी के सेकेंड संडे में जो ये प्रोग्राम होता है बौद्ध परिवार मिलन, पूरे दिल्ली NCR गाजियाबाद ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं और अपने एक दूसरे के बच्चों का परिचय यहाँ पर शादियों के लिए मैरिज ब्यूरो के तहत यह किया जाता है। उसके अलावा कई कार्यकलाप यहाँ पर होते हैं, खेल क्रीड़ा यहाँ पर लिंबू दौड़ होती हैं, आधी टंगड़ी बांध करके मतलब वो भी दौड़ होती हैं, दौड़ने की शर्यत लगती हैं, कई चीज़ें यहाँ पर कार्यकलाप के तौर पर होती हैं और यहाँ धम्म दीक्षा समारोह भी किया जाता है। यहाँ लगभग 50 लोगों ने धम्म दीक्षा ली है आज। जी बहुत बढ़िया बात है कि धम्म दीक्षा भी आज यहाँ पर ली गई है। रणधीर मौर्या जी से भी बात करना चाहूँगा जो महासचिव हैं, सर आप पे पूरा भार होता है और जितने भी गिफ्ट्स वगैरह लाए गए या बांटे गए या उसकी योजनाएं बनाई गई वो आपके थ्रू ही हो पाती हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कितने गेम्स यहाँ पर हुए और कितने बच्चों को आपने यहाँ पर पुरस्कृत किया है। सभी सुनने वालों और देखने वालों को जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों जो आज हम बौद्ध परिवार मिलन भीम मेला मना रहे हैं ये 25वां है और स्वर्ण जयंती के रूप में हम मना रहे हैं जी। दमबंधुओ जो इसमें प्रतियोगिता होती है हमारी, इसमें सबसे पहला होता है रस्साकसी जो महिलाओं का होता है और जेंट्स का भी होता है, अलग अलग दोनों का होता है। और जो महिलाएं इसमें विजयी हुई हैं उसको हमने सबको लेडीज पर्स दिए गए हैं, और जो हमारे पुरुष महिला थे जो पुरुष हैं उनको जो जीतने पे हमने उनको दिया है एक एक पेन, अच्छा वाला पेन था। और इसके बाद जो महिला दौड़ी हैं, दौड़ लगाई हैं या फिर उन्होंने नींबू चम्मच भाग लिया है उनको भी हमने पर्स दिए हैं सबको, फर्स्ट सेकंड थर्ड को जी। दूसरा जो बच्चे हमारे हैं जो जिन्होंने प्रतियोगिता भाग लिया उनको सभी को ज्योमेट्री बॉक्स या फिर हमने उनको पेन या कलर वगैरह दिए हैं ताकि उनको सभी को प्रोत्साहन मिल सके और आगे आने वाले समय में, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो बच्चों से और महिलाओं से बढ़ने वाला है और इन्हीं को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि जब हम दोबारा इसे बढ़ाएं तो इसमें जो बच्चे और महिला ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लें। और आप जैसा आप देख रहे हो आज शायद 25वां मानकर चलो तो आज काफ़ी भीड़ है, सैकड़ों की तादाद में लोग आए हैं और जो हमारे जो दिल्ली के क्षेत्र हैं या दिल्ली के आसपास जो स्टेट हैं UP हरियाणा से भी लोग आए हैं तो उन्हीं का सबका आप देख रहे हो कि कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ है। और बच्चों के लिए खासकर मैंने ये रखा था कि भाई जितने बच्चे भी आ जाएं चाहे वो 100 या 200 सबको पुरस्कार मिलेगा जी। कितने परिवार होंगे यहाँ पर जो यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे परिवार जो है सर मेरे हिसाब से ज़्यादा
मिलिंदा गौतम जी आपने ज्यादा वक्त देखा है और मैंने तो खाने पे गौर किया कि कितने लोगों ने आज खाना अलग अलग तरीके से और कितना टेस्टी खाना बनाया। इसमें सबसे ज्यादा आज का जो प्रोग्राम अच्छा रहा है मैं बताना चाहता हूँ कोंडली की जो महिला मंडल आई है जी, आप शायद पहली बार होगा कि उन्होंने यहाँ पे जब गानों के साथ में डांस भी करा है जी जी जी, जो आपने रिकॉर्ड किया है जी। और सबसे बढ़िया काम जो है हमारा म्यूजिक जो प्रोग्राम था जादूगर का जी, जो हमारे अरविंद बिमसराय जी हैं, उनकी वाइफ थी, उनके साथ दो बच्चे थे जी। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम करा कि शायद एक घंटे प्रोग्राम था और एक घंटे में उन्होंने पूरी पब्लिक को एकदम जैसा कहते हैं स्टेजू कर दिया, हो सबको बांध दिया और इतना अच्छा उन्होंने अंधविश्वास को दूर करने के लिए जो हम कहते हैं भाई ये नोट बदल दिया या हमने इसमें कागज में आग लगा दी या हमारे जो होते हैं ताश के पत्ते होते हैं हमने कैसे करते हैं, तो इन सबको अंधविश्वास को दूर करने के लिए वो एक एक हाथ की सफाई होती है, वो इसमें कोई जादू नहीं होता कुछ भी। और जो उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से बताया और दिखाया और फिर उसके बाद उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि भाई हम इसको ऐसे करते हैं, इसमें कोई जादू नहीं होता, तो ये सबसे अच्छा जादूगर का प्रोग्राम उनके पास। अगर हमारे पास समय होता तो शायद उससे और ज़्यादा अच्छा दिखाते हो। जी जी बिल्कुल। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे विभिन्न तरीके के यहाँ पर गेम्स हुए, खेल खेले गए और यहाँ पर जितने भी परिवार थे सभी परिवारों की मैंने आपको एक एक क्लिप या तो पहले दिखाऊँगा या बाद में दिखाऊँगा, क्योंकि उसकी क्लिप जो है उसमें मैंने महिलाओं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं और महिलाओं के खाने के ऊपर भी बात की गई, उनके परिवार के ऊपर बात की गई, उनसे मेल मिलाव की बात की गई। और यहाँ पर जितने भी परिवार थे, बहुत से परिवार ऐसे थे कि कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, पर बहुत परिवार मिलन समारोह की वजह से ही उन लोगों को आपस में जान पहचान हो पाई। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहाँ पहली बार या दूसरी बार आए हैं। पर एक सवाल और करना चाहूँगा अंबोरे जी आपसे कि यहाँ पर लोगों ने ये कहा कि प्रोग्राम साल में एक बार नहीं, शायद दो बार, तीन बार या चार बार होने चाहिए, क्या ये ऐसी पॉसिबिलिटी है? देखिए ये तो लोगों की डिमांड के ऊपर चलता है, क्योंकि हम लोग दो प्रोग्राम तो ऐसे बड़े बड़े करते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन भी हम करते हैं जी, पर वो गर्मियों के दिनों में आता है और गर्मियों के दिनों में आने के वजह से और अंबेडकर भवन पे होने के वजह से 6 महीने का बिल्कुल एग्जैक्ट आज से 6 महीने पहले वो कार्यक्रम होता है और 6 महीने के बाद ये कार्यक्रम होता है। वर्ष में हमारे बुद्ध पूर्णिमा भी होती है, वैसे चार प्रोग्राम हम जब देते हैं तो लोगों की जो डिमांड अभी आगे आ रही है, तो मिलेनियम पार्क में यदि ऐसी बात हो तो मैं ये प्रस्ताव हमारे कमेटी में रखूंगा कि दिल्ली प्रदेश की ओर से क्या ऐसा किया जा सकता है ताकि लोगों की डिमांड पूरी की जा सके। बिल्कुल। मैं सर आपसे एक बार और पूछना चाहूंगा कि अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो शायद कुछ लोगों के तो पेट में दर्द हो जाएगा और कुछ लोगों के इतने हर्ष और उल्लास से वो खुशी मनाएंगे कि भाई साल में दो परिवार मिलन है और दो परिवार मिलन समारोह शायद मेरे हिसाब से होने भी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आपने सभी के व्यू लिए हैं जो यहाँ परिवार आए हैं, तो अगर वो सब ये डिमांड करते हैं कि भाई हाँ दो बार होना चाहिए, तो हम जैसे भी अपने अध्यक्ष अंबोरे साहब ने कहा कि भाई एक कमेटी में इसमें प्रस्ताव लाएंगे, अगर वो होता है तो मे भी हम करेंगे इसको। और साथ में ही हम आने वाले टाइम में जैसे आपने आज देखा होगा कि 25वीं हम जो जयंती मना रहे हैं इसकी बौद्ध परिवार भी मिलेगी, तो उसमें हमने काफ़ी कोशिश करी कि इस पार्क को बौद्धमय बनाया जा सके जी, जी। और ताकि लगे दुनिया को जो आसपास जा रहे हैं कि भाई वाकई में यहाँ पे कुछ बौद्ध प्रोग्राम हो रहा है, और अगर 6 महीने में होता तो हम इससे अच्छा कर सकते हैं और अगर हमारे जो महिलाएं हैं अगर वो साथ देती हैं तो इससे अच्छा कर लेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत ही शानदार कार्यक्रम है और जैसे कि अभी कहा कि ये पार्क जो है वो बौद्ध में होना चाहिए, मैंने जब एंट्री की थी तो पंचशील के झंडे और ये बैलून्स जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही शानदार लग रहे थे और सैकड़ों की तादाद में ये यहाँ लगाए गए। और बौद्ध परिवार मिलन समारोह जो है हम सबकी एकजुटता और एकता का प्रतीक भी है ये और परिचय भी देता है। अगली बार अगर आपको आना है तो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि फरवरी का दूसरा हफ्ता जो होता है इतवार वाला दिन, उस दिन यहाँ पर ये 10 बजे से और शाम के 4-5 बजे तक ये मेला लगता है और आप आएँ पूरे परिवार के साथ और विभिन्न प्रकार के पकवान बना करके लाएं और सबको खिलाएं और आप भी खाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबे सत्ता सुखी सबे हंतु सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् कुमार।